हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्बिट्रेशन का अब मैं ऑब्जेक्ट बता रही हूँ। शॉर्ट वीडियो है बहुत, ये छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है इसका, कि आर्बिट्रेशन का मीनिंग, मतलब क्यों ज़रूरत क्यों होती है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आर्बिट्रेशन को लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्बिट्रेशन जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के अंडर आता है और ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये शॉर्ट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये लिख सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप आर्बिट्रेशन का मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे कि आर्बिट्रेशन क्या है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आप इसका ऑब्जेक्ट बताएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कंप्रीहेंसिवली कवर करता है ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन को। ये जो है डोमेस्टिक लेवल के जितने भी केसेस होते हैं, जैसे बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स हो गए, तो ये उनको कंसीलिएशन और आर्बिट्रेशन जो है उनको कवर करते हैं। टू मेक प्रोविजंस फॉर एन आर्बिट्रेशन विच आर, मतलब ऐसे ये इसका ऑब्जेक्ट ये है कि आप प्रोविजंस इसमें ऐसे बनाए जाएंगे आर्बिट्रेशन में कि जो कि कैसे होंगे, फेयर होंगे, एफिशिएंट होंगे, कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स। मतलब ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएंगे जो पार्टीज के लिए बहुत ईजी होंगे, फेयर होंगे, पार्टी के लिए अच्छे होंगे, एफिशिएंट होंगे, मतलब जो कि इजीली एप्लीकेबल होंगे, कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स। और ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएंगे कि जो उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बनाए जाएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, पार्टीज के डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व कर सकें। तो एक फिर बताया गया है इसमें कि ऑब्जेक्टिव टू रिमेन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल विद इन द लिमिट्स। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि अपनी लिमिट्स के अंदर रहे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, लिमिट्स, उसकी लिमिट्स के अंदर ही सारे काम हों। टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट्स, और इसका एक मेन ऑब्जेक्ट ये है कि भाई सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो रोल है उसमें कम कर दिया जाए, उसको मिनिमाइज कर दिया जाए ताकि कोर्ट के अंदर ज़्यादा बर्डन ना रहे। इसीलिए मेन ऑब्जेक्ट यही है आर्बिट्रेशन का कि आप कोर्ट आउट ऑफ द कोर्ट आपके पार्टीज की सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन। दिस कम्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। दिस इज द सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।